हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रोफेसर अंजलि पटेल फ्रॉम रॉफेल बीबीए कॉलेज वापी। एज यू ऑल आर अवेयर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद अवर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट that dispersion is nothing but it refers the variation of an items among the central value. Now apne measure of central tendency already apne pad chuke hain. Measure of central tendency kya define karta hai ki measure of central tendency that means ki hum puri entire data ka एक एवरेज वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होती है कि पूरे एंटायर डेटा का जब भी हम हमारी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं तो दैट इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ व्हाट इज मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि दे आर वेरियस मेजर थ्रू विच वी कैन फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा, सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन ईच एंड एवरी डेटा रिजल्ट। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता था आप लोग ने पढ़ा है। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होगा कि पूरे एंटायर डेटा का हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज योर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। बिकॉज जब भी आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझना है उससे पहले आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नाउ आप देखोगे जैसे कि एक भी कोई भी कॉइन के दो पल्लू होते हैं, तो यहाँ पे एक साइड आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, दूसरी साइड आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम सेंट्रल वैल्यू फाइंड करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या फाइंड करें कि सपोज आपकी सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो सेंट्रल वैल्यू से हमारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है, कितना डेविएशन अकर्ड हुआ है, वो जब हम फाइंड करते हैं, वेरिएशन जो फाइंड करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, दैट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज नथिंग बट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि जो वेरिएशन है, डिफरेंस है अमॉन्ग द ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, दैट इज योर डिस्पर्जन। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही आपकी डिस्पर्जन की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा है। बॉवली ने आपने डिफाइन किया डिस्पर्जन इज समथिंग बट जो वेरिएशन की वैल्यू को हम मेजर करते हैं दैट इज़ माय डिस्पर्जन। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल SYBCA डिवीजन 1 एंड SYBCA डिवीजन 2। नाउ SYBCA डिवीजन 1 ने स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो एग्जामिनेशन का थ्रू इवैल्यूएशन जो है वो हो गया है, उसके बाद मेरे हर एक बच्चे के अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, अभी जब मुझे कोई पूछे व्हाट इज योर एवरेज परफॉर्मेंस, तो मुझे एवरेज परफॉर्मेंस के लिए क्या करना होगा, सारे बच्चे के स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स SYBCA डिवीजन 1 का था, SYBCA डिवीजन 2 में है, वो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को समेशन करना होगा और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे मैं सेंट्रल वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकती हूँ ऑफ डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। ठीक है, अभी मैंने सेंट्रल वैल्यू फाइंड की, SYBCA डिवीजन 1 की सेंट्रल वैल्यू है 35 एंड SYBCA डिवीजन 2 की सेंट्रल वैल्यू है 30। अभी जो SYBCA डिवीजन 1 की सेंट्रल वैल्यू 35 है, ऐसा ज़रूरी होगा कि सारे बच्चे की जो वैल्यू होगी, जो मार्क्स ऑप्टेन किया होगा वो 35 ही रहेगा, सेम ही रहेगा? नो, द क्वेश्चन मे अराइज, ठीक है, हर एक बच्चे के मार्क्स 35 नहीं होंगे, किसी के 30 आए होंगे, किसी के 32 आए होंगे, किसी के 25 आए होंगे, ठीक है, किसी के 20 भी आए होंगे, किसी के 10 मार्क्स भी आए होंगे, किसी के 5 मार्क्स भी आए। तो ये जो हम हर एक बच्चे का जो मार्क्स उसने ऑप्टेन किया है उसका जो वेरिएशन हम सेंट्रल वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट डिस्पर्जन। और उसके मेजर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे आप मेथड सीखने वाले हो ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज योर रेंज हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन है, क्वार्टल डेविएशन है, तो वही चीज ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वेदर जो मैंने एवरेज डिटरमाइन किया है वो उसका रियलिबिलिटी कितनी है, हाउ मच वो रियल है। ठीक है, वो मुझे डिटरमाइन कर सकती हूँ थ्रू माय मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, और जब भी मुझे दो और दो से ज़्यादा सीरीज का सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, जब भी मुझे दो का दो से ज़्यादा सीरीज का वेरिएबिलिटी
फाइंड करना है, आई नीड टू कंपेयर द टू और मोर सीरीज एट दैट टाइम ऑल्सो आई कैन यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज माई सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, और जब भी आपको यहाँ पे यू नीड टू फैसिलेट द यूजेज ऑफ द अदर स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज योर टी टेस्ट और कोरिलेशन रिग्रेशन, तो जब भी आपको दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करना है तो मेजर डिस्पर्शन कैन बी फैसिलेटेड द यूज ऑफ द अदर स्टैटिस्टिकल मेजर ऑल्सो एंड दिस मेजर डिस्पर्शन कैन बी यूज एंड कैन बी द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी आप ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा डेविएशन होगा तो आप उतना कंट्रोल तो कर सकते हो ना, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, नाउ वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. फर्स्ट वन इज ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सिंपल है, डेविएशन फाइंड करो, डेविएशन की जो वैल्यू आई डिवाइडेड बाई करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सिंपल टू फाइंड ऑल्सो एंड सिंपल टू ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड सिंपल टू कैलकुलेट ऑल्सो. थर्ड पॉइंट यूनिकली डिफाइंड. यूनिकली डिफाइंड मतलब क्या हुआ कि क्लियरली डिफाइंड है हमें यहाँ पे क्या करना है, वट वी वॉन्ट टू डू और वॉट वी वॉन्ट टू बी कवर. तो यहाँ पे यूनिकली डिफाइन है कि आपको यहाँ पे वेरिएशन फाइंड करना है. और ये जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हम डेविएशन सारे ऑब्जर्वेशन का करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर हो रहे हैं. रेंज में क्या दो ही ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, बट यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन का जो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके हम हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब कोई वैल्यू ज्यादा हुई कोई वैल्यू कम हुई तो उससे वो अफेक्ट नहीं होने वाले. जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आपको जॉब करनी है तो आप जहाँ पे इनकम ज्यादा होगा वहाँ पे आप जॉब करोगे. वापी वलसाड़ और बम्बे की बात करें तो आप देखोगे तो वापी में इनकम ज्यादा होगा वलसाड़ में कम होगा, उसके बाद बम्बे में उससे भी ज्यादा होगा. जितना सिटी में जाओगे तो उतना आपकी इनकम बढ़ेगी. ठीक है, बट आपको यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे कि एक एक्सट्रीम वैल्यू के कारण क्या होती है आपकी एवरेज की वैल्यू बढ़ जाती है. बट डेविएशन जब भी आप डेविएशन वेरिएशन फाइंड करो ना तो ये कभी भी आपकी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं होगा. मेरा सपोज 30 मार्क्स एवरेज है, मैंने 45 इनकर किया है, तो यहाँ पे आपके एक्सट्रीम वैल्यू के कारण आपके वेरिएशन में कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, डिफरेंसेस में कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा. एंड सेकेंड इट इज़ कैपेबल फॉर योर अनदर ट्रीटमेंट, इट इज़ एलिब्रेटरी ट्रीटमेंट में भी वो बेनिफिशियल है. ठीक है, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, ये पहले भी समझाया था, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो तरीके से होगा, एक एब्सोल्यूट होगा और एक होगा रिलेटिव. एब्सोल्यूट में क्या करोगे, जब भी यूनिट में एक्सप्रेस होगा तो वो एब्सोल्यूट होगा, और रिलेटिव मतलब जब भी हम रेशियो फॉर्म में और परसेंटेज फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज माई रिलेटिव वैल्यू. यहाँ पे एग्जाम्पल रुपीज में हो सकता है, केजी में होगा, लीटर होगा, किलोमीटर. जब रेशियो और परसेंटेज की बात आती है ना रिलेटिव मेजर में तो इट इज ऑल्सो कोफिशियंट ऑफ डिस्पर्शन ही फाइन कर सकते, जैसे कि कोफिशियंट ऑफ रेंज, जैसे कि कोफिशियंट ऑफ योर क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन. तो ये कोफिशियंट हम फाइन करें जहाँ पे हम आर की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं. तो मेजर डिस्पर्शन दो तरीके से होते हैं, एक होगा एब्सोल्यूट और दूसरा होगा रिलेटिव. एब्सोल्यूट में आप यूनिट को एक्सप्रेस करोगे इन सम, आप अपनी डेटा को की यूनिट को एक्सप्रेस करोगे जो इट कैन बी रुपीज, केजी, किलोमीटर और लीटर. और रिलेटिव में जहां आप रेशियो परसेंटेज फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट वन हम देख सकते हो डायग्राम, देर इज अ वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग अ डिस्पर्शन. फर्स्ट वन इज रेंज, इंटरकाउंटर रेंज. रेंज आपको पता है व्हाट इज रेंज, इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन योर हायर वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू. उसके बाद उसका इंटरक्वार्टर रेंज एंड क्वार्टर डेविएशन पढ़ोगे. ये हर एक मेथड जो है वो वन बाई वन आपके वीडियो लेक्चर में कवर्ड होगी. मीन डेविएशन, हमारी मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं, जो मेरी मीन वैल्यू है उससे कितना मेरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डिफर हो रही है, दैट इज वी विल फाइंड मीन डेविएशन. डेविएशन मतलब हम एरर फाइंड कर रहे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई, ठीक है, उसका स्क्वायर किया, उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया वो हम करेंगे. ये लोरेंस कर्व आपके सिलेबस में नहीं है तो वी विल नॉट एबल टू कवर इन दिस सेक्शन बिकॉज आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट वन इज रेंज. रेंज मतलब क्या हुआ, वी नो दैट इट इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, विच डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. तो आर इज इक्वल टू एल माइनस एस का, तो एच माइनस आपका एल, ठीक है, आपको जिस तरह में देखना होगा. तो आर क्या होगा रेंज, एल क्या होगा लार्जेस्ट वैल्यू, एस क्या होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो अभी
सपोज ये रेंज फाइंड कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना था, कैसे फाइंड करोगे, एल माइनस एस एन एल प्लस एस, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज पहले एग्जांपल में ये सारे एग्जांपल आपके वीडियो ऑनलाइन लेक्चर में कवर कर लिए, तो एक बार फिर से आप सॉल्व कर लेना, देख लेना जो बच्चे बाकी है, एंड यू नो वेरी वेल रेंज का आपका यहाँ पे सपोज टू मेनी ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वैल्यू जो है 9 एंड लोवेस्ट वैल्यू जो है 1, तो 9 माइनस 1 करोगे तो 8 विल बी रेंज, ठीक है। ये हमने करवाया है प्रैक्टिकल वे में, तो आपको पता ही है। तो दैट इज के आज के वीडियो में हमने थियरी समझ ली है कि व्हाट इज मीन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।